क्षेत्र के ग्राम नदेरा का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दो दिवसीय तकिया मेला शफकत अली शाह रहमतुल्ला अलै मियां साहब की मजार में चादर पोशी के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में जनपद के अलावा महोबा, छतरपुर, जालौन, फतेहपुर, बांदा, कानपुर आदि जनपद के लोगों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के मद्देनजर प्रत्येक एक घंटे में मजार सहित मेले को सैनिटाइज किया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मिर्जाहुल हसन उर्फ लाला प्रधान ने बताया कि गांव का ऐतिहासिक तकिया मेला अली शाह रहमतुल्ला अलै मियां साहब की मजार में परंपरा के अनुसार व चादर पोशी के साथ शुरू हुआ है। दो दिवसीय इस मेले में हिंदू मुस्लिमों का जमावड़ा लगता है। रात में जवाबी कव्वाली का आयोजन कराया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि चादर पोशी के दौरान गांव, क्षेत्र एवं मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। मेले में दूसरे दिन जनपद के अलावा महोबा, छतरपुर, कानपुर, बांदा, फतेहपुर, जालौन आदि जनपदों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां पूरे दिन हजारों लोगों का मजमा लगा रहा। सर्द मौसम के साथ लोगों के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी था। सर्दी को देखते हुए मजार के साथ मेले में अलाव के पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं। रोहित सिंह ने बताया कि जवाबी कव्वाली का आयोजन खत्म होने के बाद सुबह से मजार को जायरीनों के लिए पुनः खोला जाएगा। तो बहुत 50 वर्ष पुराना है, लेकिन जो यहाँ मिलकर हिंदू और मुसलमान लोग जो मिलकर के त्यौहार मनाते हैं, वो यहाँ से कुछ दूर चल के मजार है एक मियाँ साहब बाबा के नाम से, वहाँ पूस की पंचमी को मेला और कव्वाली का कार्यक्रम होता है और छठ को भी मेला लगता है। और ये राम जानकी जो मंदिर है, यहाँ सन 1983 से रामलीला कंटिन्यू हो रही है। हम लोग सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पुजारी भी रहते हैं। और मतलब यहाँ जो है तो जैसे कोई भागवत का कार्यक्रम होता है, रामलीला का होता है, यही कार्यक्रम होते हैं ज्यादातर। रिपोर्ट वी सर्विस न्यूज़ सुमेरपुर हमीरपुर।